नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 22वां पढ़ने वाले हैं। ठीक, कौन सा लेक्चर है? 22वां लेक्चर। इससे पहले मैं आप लोगों को 21 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के बारे में पढ़ाया है और इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड उनके बारे में बताया है। जो डिफरेंट प्रकार के जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है अभी पढ़ाने में बीच बीच में जो आती रहती है उनके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग एक नई क्रॉप पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेप क्रॉप। ठीक, ग्रेप यानी कि अंगूर। अंगूर से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ग्रेप क्रॉप। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेप क्रॉप होती क्या है। ठीक, ग्रेप क्रॉप एक एनर्जी वाली क्रॉप होती है। ठीक, यानी कि इसको सेवन करने से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ साथ हमें विटामिन भी मिलती है। ठीक, दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ग्रेप होता है वो भारत में उत्पन्न किया जाता है। ग्रेप का एक और भी यूज होता है, इससे वाइन बनाई जाती है। ठीक, तो ये सब कुछ इसकी मेन चीज़ें थी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेप क्रॉप। अगर हम देखें GRF या SRF पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटेटिव विज्ञान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्रेप क्रॉप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेप क्रॉप के बारे में। सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है विटिस वेनिफेरा। ठीक, नाम क्या है इसका? विटिस वेनिफेरा। विटिस वेनिफेरा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट एंड द फैमिली ऑफ द ग्रेप इज विटेसी। नाम से ही पता चल रहा है विटिस वेनिफेरा यानी कि विटेसी फैमिली। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद फिर देखो इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है, ग्रेप का जो ओरिजिन प्लेस है वो ब्लैक टू कैस्पियन सी। ठीक, ब्लैक टू कैस्पियन सी इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्रेप। इसके साथ साथ अब देखो स्किन ऑफ ग्रेप बेरी इज कवर्ड विथ वैक्स लेयर व्हिच इज कॉल्ड क्यूटिन। जैसे मैंने पढ़ाया था कि इंसेक्ट में काइटिन होती है, इंसेक्ट की लेयर जो होती है, इंसेक्ट की बॉडी की अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। वहाँ से आप काइटिन को क्यूटिन कर लीजिए। क्या? काइटिन को क्यूटिन कर लीजिए और वैसे ही सबसे बाहरी स्किन पर क्या कर लीजिए, इसको लगा लीजिए। तो इसके जो ग्रेप के सबसे बाहरी स्क्रीन जो होती है उस पर क्यूटिन नाम की एक वैक्स की लेयर होती है। अभी कभी जब आप जो जाएंगे अंगूर खरीदने तो अंगूर आप खरीदेंगे तो उस पर देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद एक वैक्स टाइप का कुछ लगा हुआ है। अगर आप अभी ध्यान से देखें तो ये है काला काला। कैसा है? ये काला अंगूर है लेकिन इस पर देखो सफ़ेद सफ़ेद लगा है, जैसे पाउडर, किसी ने इस पर पाउडर मार दिया है। ठीक, तो वो जो लगा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वैक्स की स्किन होती है जो क्यूटिन की बनी होती है, जिसे हम क्यूटिन बोलते हैं। ठीक, अक्टूबर इसका जो महीना होता है, अक्टूबर महीने में इसकी हम प्लांटिंग करते हैं। ठीक, यानी कि अगर हमें प्लांटिंग लगानी है ग्रेप फ्रूट की तो हम किस महीने में लगाएंगे? अक्टूबर मंथ में लगाएंगे। एफी डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन इन ब्लैक सॉयल। अगर कोई काली मृदा है, ठीक, यानी कि महाराष्ट्र रीजन की जो काली मृदा पाई जाती है उसमें अगर हम ग्रेप की क्रॉप उगाते हैं तो वहाँ पे आयरन की डेफिशियंसी होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक सॉयल होता है उसमें आयरन कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आयरन की डेफिशियंसी ग्रेप में हो जाएगी। आयरन मांगता है ग्रेप क्रॉप, ग्रेप क्रॉप को आयरन चाहिए, जबकि जो ब्लैक सॉयल है उसमें आयरन है नहीं, इसीलिए उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। थॉमसन सीडलेस वैरायटी विथ इट्स क्लोन ऑक्यूपाइज 55% एरिया अंडर ग्रेप कल्टीवेशन। एक वैरायटी है कौन सी? थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेराइटी ऑफ ग्रेप क्रॉप व्हिच ऑक्यूपाइज 55% एरिया अंडर टोटल ग्रेप प्रोडक्शन। दुनिया भर में, सॉरी, पूरे भारत में जितना भी ग्रेप का प्रोडक्शन होता है उसमें लगभग 55% एरिया, जैसे मान लो कि अगर 100 हेक्टेयर में, पूरे भारत में 100 हेक्टेयर पर अंगूर की खेती हो रही है तो उसमें 55 हेक्टेयर भूमि पर कौन सी क्रॉप, कौन सी वैरायटी लगी है? थॉमसन सीडलेस वैरायटी ही लगी है ग्रेप की। समझ गए थे? यानी कि ग्रेप में थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक, उसके बाद देखो रैंस ड्यूरिंग राइपनिंग कॉजेज बेरी क्रैकिंग एंड रोटिंग।
अगर पानी बरसने लगे उसके अंगूर के पकने के समय, अगर पानी बरसने लगता है यानी कि बरसात होने लगती है, तो उसकी जो बेरी होती है यानी अंगूर जो होता है उसमें क्रैकिंग होने लगती है। इसका एक कारण है, देखो कौन सा कारण। जब पानी बरसता है तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक। ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उसका जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन फिर जब बरसात बीत गई, जैसे अभी पानी बरसा 2 घंटे बाद फिर धूप निकल गई, अब उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर इसका क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो यही घटना बढ़ना जो ह्यूमिडिटी का है और ऑस्मोटिक प्रेशर का है, इसको अंगूर की स्किन झेल नहीं पाती, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये फट जाएगी, और जब फट जाएगी तो इसमें फंगल का अटैक होने लगेगा। फंगल्स का अटैक होने की वजह से इसमें रॉटिंग होने लगती है, समझ गए। तो ये रॉटिंग वाली प्रॉब्लम भी इसी वजह से आती है। अब देखते हैं आगे फिर क्या कह रहा है। प्रूनिंग, इसके जो प्रूनिंग का समय होता है वो 2 तरीके से होता है। नॉर्थ इंडिया में केवल 1 बार करते हैं, ठीक। इसका जो प्रूनिंग होता है नॉर्थ इंडिया में केवल साल भर में केवल 1 बार करते हैं, वो भी विंटर सीजन में, दिसंबर जनवरी के महीने में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साल भर में इसमें 2 बार प्रूनिंग होती है, वो भी कब कब। पहली प्रूनिंग तो होती है अप्रैल में, जिसको बैक और फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। बैक प्रूनिंग या फाउंडेशन प्रूनिंग कहने का मतलब ये है कि फल आने से पहले वाली जो प्रूनिंग होती है उसको हम बोलते हैं बैक प्रूनिंग। फल आने से पहले की प्रूनिंग को क्या बोलते हैं, फल या फ्लावरिंग होने से पहले वाली जो प्रूनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक प्रूनिंग बोलते हैं। यह हम अप्रैल के महीने में करते हैं। दूसरे प्रकार की जो प्रूनिंग होती है उसको हम फॉरवर्ड प्रूनिंग या फ्रूट प्रूनिंग कहते हैं। ये कब होती है, ये अक्टूबर के महीने में होती है, ठीक। दूसरी प्रूनिंग जो होती है ये अक्टूबर के महीने में होती है। इसमें क्या होता है कि अंगूर की जब पूरी क्रॉप हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसी हार्वेस्टिंग के समय हम इसकी प्रूनिंग भी करते रहते हैं, ठीक। तो इसी प्रूनिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्रूनिंग या फ्रूट प्रूनिंग। फ्रूट के साथ साथ ही प्रूनिंग भी होती जा रही है। अब देखो जो बावर सिस्टम है इसका, बावर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया। इस टाइप का जो बावर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे सपोर्ट दे दिए जाते हैं, और इसी सपोर्ट के किनारे यहीं पर बीच में ये देखो पौधा लगा दिया जाता है। कभी ध्यान, अभी खूब ध्यान से देखो तो ये देखो ये आयरन की रॉड्स हैं जिन्हें हमें सपोर्ट दे, आयरन की या कंक्रीट की रॉड्स यानी सीमेंट की। फिर इधर ये वाला जो ये वाला पिलर दिख रहा है ये सब भी क्या है, ये सब भी कंक्रीट या आयरन की रॉड्स हैं। फिर इसके ऊपर एक आयरन का नेट बिछा दिया जाता है, एक जाल बिछा दिया जाता है, ठीक। फिर उसके नीचे यहाँ बीच में देखो ये सब क्या है, ये स्टेम है अंगूर का, ये सब स्टेम है, ऐसे लगा दिया जाता है। तो इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, बावर सिस्टम। इसमें जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है वो होता है 1:2.09, यानी कि अगर हम 1 रुपया लगाते हैं इस बावर को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में अगर हम 1 रुपया लगाते हैं तो हमें 2.09% का मुनाफा होगा। यानी कि 1 रुपया लगाओगे तो लगभग 2 रुपये मिलेंगे, 1 रुपये का सीधे सीधे मुनाफा। अब इस बावर सिस्टम की कई क्वालिटी होती है, ठीक, इसकी कई विशेषताएं होती हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। सबसे पहला कि हमें तुड़ाई करना बड़ा आसान होता है, इसके अंदर चले जाओ और ऐसे अंगूर लटका रहेगा, सब तोड़ लो कायदे से, तो तुड़ाई करना आसान है। उसके साथ साथ इसके बीच में जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन यानी कि निकाई गुड़ाई जो करनी होती है ये भी बड़ी आसानी से हो जाती है। इसके साथ साथ इरिगेशन करना भी बड़ा आसान होता है, ठीक। साथ साथ में क्योंकि इसकी जितनी लताएं हैं यानी कि इसकी जो वाइन्स हैं ये सब जमीन से ऊपर हैं, जमीन में पड़ी हुई नहीं है, इसीलिए इनमें जो जमीन में फंगस होते हैं उस फंगस का अटैक ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ऊपर है। इसके बाद हमें अगर इंसेक्टिसाइड छिड़कना हो अंगूर पर तो इंसेक्टिसाइड छिड़कना भी आसान होता है, क्योंकि अंगूर नीचे सब लटके रहेंगे और नीचे से हम स्प्रेयर से कायदे से चाहें तो हम छिड़क सकते हैं, समझ गए।
ये फ़ायदा हो गया। उसके साथ साथ एक फ़ायदा और होता है कि सनलाइट ऊपर से आती है तो इसकी पत्तियों में ही सनलाइट रह जाती है, तो ज़्यादातर पत्तियों को सनलाइट मिलता रहता है, ठीक, जिससे इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ता है। एक फ़ायदा और होता है, क्योंकि ज़्यादातर सनलाइट यहीं ऊपर ही रह जाती है, इसीलिए इसके अर्थ पर सॉयल में सनलाइट डायरेक्ट आती नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट आएगी नहीं तो सॉयल का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, ठीक। अगर सॉयल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो जो इवापोरेशन होता है यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है यानी कि मिट्टी वाला जो पानी है ये जल्दी से वेपरेट नहीं होगा यानी कि वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, तो हमें इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि कई दिन के बाद हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। एक तो ये सब फायदा हो गया। उसके बाद ये ड्यूरेबल होता है, आंधी माधी अगर आ जाए तेजी से तो आंधी माधी में ये झेल सकता है, ठीक, क्योंकि इसके जितने भी पिलर होते हैं सब एक दूसरे से कायदे से जकड़े हुए होते हैं, ठीक, और इसको एक बार लगा दो तो कई साल ये आसानी से चल भी जाता है। ट्रेनिंग प्रूनिंग करना भी इसमें आसान होता है। इसी कुल ओवरऑल इसके ढेर सारे फायदे हैं, इसी वजह से ये जो बावर सिस्टम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है भारत में। भारत में ज़्यादातर इसी से ट्रेनिंग करते हैं अंगूर की। उसके बाद मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी होती है ये यूनिवर्सल होती है, मतलब कि किसी भी सॉयल में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सॉयल में अगर हम ग्रेप की खेती कर रहे हैं तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होना कन्फर्म है, यानी कि मैग्नीस की डेफिशिएंसी होगी ही होगी मैग्नीशियम की। इसीलिए हमें मैग्नीशियम क्या होता है अप्लाई करना पड़ता है आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा मैग्नीशियम के लिए। समझ गए यहाँ तक बात, आगे बढ़ें। अब देखो इसमें ग्रोथ रेगुलेटर की भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस क्रॉप में ग्रोथ रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो कौन कौन सा, एक नाम होता है ट्रिपल सी, साइकोसेल बोलते हैं, ठीक। ये जो ग्रोथ रेगुलेटर होता है ये क्यों दिया जाता है, फॉर सप्रेसिंग विगर ऑफ वाइन इंक्रीज फ्रूटफुलनेस ऑफ बर्ड्स। इसमें इसको छिड़कते हैं जिससे जो वाइन निकलती है यानी कि जो लताएं निकल रही हैं अंगूर की वो बहुत बड़ी ना होती जाएं, नहीं तो इसे बढ़ती चली जाए, खूब बड़ा बड़ा हो गया और उसमें फल लग ही नहीं पा रहे हैं। पौधा तो खूब बढ़ गया लेकिन फल नहीं लग पा रहा है, फल कम लग रहा है। इसको हम गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि पौधा जुजाइगवर, समझ गए, इसको मतलब यही होता है कि वो खराब हो गया यानी कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, वनस्पतिक ग्रोथ ज़्यादा हो गई है जबकि उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हुई है। तो हमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ही ज़्यादा चाहिए होता, इसीलिए हम इसको ट्रिपल सी नाम के ग्रोथ रेगुलेटर को डालते हैं। और इसके साथ साथ ये फ्रूट फुलनेस को भी, यानी कि ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्रूट लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कलिकाएँ भी आएंगी, इसीलिए हम ट्रिपल सी नामक ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। ये ग्रोथ रेगुलेटर जितने होते हैं सब हार्मोन ही होते हैं। उसके बाद GA3 जिसको हम जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग बेरी साइज। जो अंगूर की साइज होती है, अंगूर की साइज जैसे मान लो अभी एक इतना बड़ा अंगूर है, एक इतना बड़ा अंगूर है, एक इतना बड़ा अंगूर है, तो अंगूर की साइज को हम बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का उपयोग, जिब्रेलिक हार्मोन का उपयोग करते हैं। फिर HCN भी एक प्रकार का ग्रोथ रेगुलेटर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं टू हाइस्टन बर्ड ब्रेक एट विंटर प्रूनिंग। ये करते हैं कि विंटर वाली जब हम प्रूनिंग करते हैं ठंडी में, तो ठंडी में क्या होता है कि जब हम प्रूनिंग कर देते हैं तो पौधे में बहुत दिन तक क्या होता है कि ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है, तो उसी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि हम इधर प्रूनिंग किए और इधर इसमें ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाए, ये करने के लिए हम HCN नाम का ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करते हैं। फिर नेफ्थलीन एस्टिक एसिड NAA, इसके 50 PPM के घोल को, यानी कि 50 PPM के घोल को हम यूज़ करें अगर ग्रेप की क्रॉप में, तो ये क्या करेगा, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। जो हार्वेस्टिंग के बाद जो उसके बंच होता है अंगूर का जो झप्पा होता है हार्वेस्टिंग के बाद, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसकी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो झटका वटका लगते लगते क्या होता है कि उसके बंज से अंगूर टूट जाता है,
तो अंगूर जो टूट जाएगा, जैसे अभी आप खरीदने जाएंगे तो आप कहेंगे कि पूरा एक इसका बंच ही दो, बंच से अगर बाहर वाला भी अंगूर वो देने लगेगा तो कहेगा नहीं चाहिए। तो ये क्वालिटी का एक प्रतीक भी होता है, ये सिंबल ऑफ क्वालिटी होता है कि अच्छी क्वालिटी का अंगूर है अगर वो पूरा बंच ही अच्छे से पड़ा है। तो कटाई करने के बाद उसकी जो तुड़ाई होती है, पौधे से उसको काटने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसके बंच से अंगूर गिरे ना, टूट टूट के टूटे ना, इसके लिए हम नेथिलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं। अब देखो, MH यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी को बढ़ाने के लिए, मेल स्टेरिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके इंडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग करते हैं। समझ गए बात? उसके बाद देखो, पिंक बेरी फॉर्मेशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन थॉमसन सीडलेस एंड इट्स क्लोन। थॉमसन सीडलेस जो वेराइटी है, और इसके मदद से जो भी इसके क्लोन बनाए गए हैं, यानी कि जो इसकी क्लोनिंग के थ्रू और दूसरी भी वेराइटियाँ जो बनाई गई हैं, उसमें पिंक बेरी फॉर्मेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। देखो होता क्या है कि जो ग्रेप का कलर होता है वो हरे कलर का होता है या हरा और पीले का मिक्सचर कलर का होता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अगर पिंक पिंक कलर का भी बेरी बन जाए, यानी कि जो वो हल्का हल्का पिंक कलर का हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो थॉमसन सीडलेस वेराइटी है और इसके जो क्लोन वाली वेराइटियाँ हैं, इसमें पिंक फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप अभी अंगूर खरीदने जाएँ तो आपको एक आध अंगूर में ऐसा मिल जाएगा कि वो पिंक पिंक टाइप का रहेगा, ठीक। वो अंगूर की ऊपर वाली स्किन हल्की सी पिंक रहेगी, जैसे आलू में कभी कभी देखते हैं कि ऊपर की हल्की सी स्किन हरी हरी हो जाती है, उसी तरीके से अंगूर में भी पिंक पिंक कलर का फॉर्मेशन हो जाता है उसकी स्किन पे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है थॉमसन सीडलेस की। अब देखो, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप इन इंडिया, भारत में जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो है 16.95 टन पर हेक्टेयर, ठीक। 16.95 टन एक हेक्टेयर में ये प्रोड्यूस होता है, यानी कि नियर अबाउट 17 टन पर हेक्टेयर हम ग्रेप का प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, यानी कि पूरी दुनिया में एक हेक्टेयर में इससे ज़्यादा कहीं नहीं लिया जाता। भारत में 17 टन लिया जाता है एक हेक्टेयर में, बाकी और दुनिया में 17 से कम ही लिया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अगर कहीं है तो कहाँ है? भारत में। प्रूनिंग इंटेंसिटी लोवेस्ट, 3 to 4 बड इन बेंगलोर ब्लू और बोखरी। ये जो प्रूनिंग इंटेंसिटी होती है, यानी कि प्रूनिंग की सघनता, इसमें 3-4 बड की ही प्रूनिंग करते हैं, किसमें? बेंगलोर ब्लू और बोखरी, ये दो वेराइटियां हैं। इस वेराइटी में जो प्रूनिंग करते हैं वो बहुत कम करते हैं, यानी कि हल्की हल्की प्रूनिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बड ही हम ऊपर की निकालते हैं। जैसे मान लो एक लता गई है, अब इस लता में ऐसे देखो ढेर सारे ये बड हैं, तो हम क्या करेंगे कि आगे वाले यही जो 3 बड हैं इन्हीं को हम निकालेंगे, ऐसे ढेर सारे ऐसे 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 गया तो आगे वाले यही आगे वाले 2-3 बड जो होंगे, 3-4 बड, इन्हीं के हम प्रूनिंग करके निकालते हैं। कौन कौन सी वैरायटी में? बेंगलोर ब्रू में, बेंगलोर ब्लू में और बोखरी जो एक वेराइटी होती है। अब प्रूनिंग इंटेंसिटी हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा प्रूनिंग इंटेंसिटी किसमें होती है? 10 से 14 बड इन थॉमसन सीडलेस। प्रूनिंग इंटेंसिटी कम कब होगी? जब पौधे की ग्रोथ कम होगी। पौधा अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको थोड़ा ही काटोगे, एक तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर से अगर ज़्यादा काट दोगे तो पौधा तो गायब हो जाएगा। इसीलिए अगर पौधे की ग्रोथ कम है तो प्रूनिंग कम करते हैं, और अगर पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो हम प्रूनिंग थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो थॉमसन सीडलेस वैरायटी जो है इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसकी प्रूनिंग करते समय आगे की 10 से 14 बड़ जो होती हैं इसको हम प्रून कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो, कैलिप्ट्रा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये कैलिप्ट्रा है, ठीक। क्या होता है कि जो फ्लावर होता है हमारा ग्रेप का, जो फ्लावर होता है ये स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बंद रहता है। जैसे आपने गेंदा का फूल देखा है, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, ये सब बंद रहता है ऐसे, ठीक।
ये कैप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है ऑफ ग्रेप फर्न एज ए रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ सेपल्स और पेटल्स। उसके जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं यानी कि जो उसके बाह्य दल और दल, ठीक, बाह्य दल और दल जो होते हैं वो एक दूसरे से सटकर एक ग्रुप बना लेते हैं इस टाइप का। ऐसा ग्रुप आपको गुलाब में मिलेगा, गेंदा में मिलेगा, तो ऐसे वो बंद रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो लग रहा है जैसे कैप, किसी ने ये इस स्ट्रक्चर पे किसी ने ये देखो कैप चढ़ा दिया, किसी ने एक टोपी लगा दिया हो। देखो ये ऐसा है, टोपी उतार दो तो ऐसा है और इसको लगाओ तो ये कैलिप्ट्रा यही होता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। अब देखो हाईएस्ट मीन बंच वेट प्लस बेरी वेट इज ऑब्टेंड अंडर बावर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। बावर सिस्टम की अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें जो बंच का वेट होता है यानी कि खूब बड़ा बड़ा हमें बंच मिलेगा, खूब बड़ा बड़ा झप्पा मिलेगा, ठीक। और बेरी का वेट जो होता है यानी कि एक एक अंगूर का वेट, ये भी बड़ा, यानी कि बड़े बड़े अंगूर भी रहेंगे और उसका जो बंच भी रहेगा वो भी बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक। गुच्छा भी जो उसका रहेगा, अंगूर का जो गुच्छा रहेगा ये भी बड़ा बड़ा रहेगा। कब? जब हम बावर सिस्टम से ट्रेनिंग करते हैं। आगे क्या कह रहा है, बेरी ड्रॉप इन ग्रेप यानी कि जो बेरी होती है यानी कि अंगूर जो होता है वो ग्रेप में ड्रॉप करता है ड्यू टू डिफिशियंसी एंड इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सही से उसमें अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर मान लो पॉलिनेशन हो भी गया लेकिन फर्टिलाइजेशन कायदे से नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि उसकी बेरी जो होती है वो गिर जाती है, फ्लावर का जो बेरी होती है वो गिरने लगती है, ठीक। तो ये बेरी का जो ड्रॉप होता है ये मेनली पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की कमी की वजह से ही होता है। अब पिंक पिगमेंटेशन डिपेंड्स इन ग्रीन ग्रेप इफ द ड्यूरेनल डिफिशियंसी आर मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग राइपनिंग। अगर राइपनिंग के समय में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का तापमान हो जाता है, जब अंगूर पक रहा होता है, राइपनिंग का जब समय होता है, उस समय में अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो जाएगा तो पिंक पिगमेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो अंगूर रहेगा अंगूर की स्किन पर पिंक कलर की फॉर्मेशन होने लगेगी। इन निमेटोड प्रॉन सॉइल, मतलब जहाँ पर ज़्यादा निमेटोड का संक्रमण हो सकता है, जहाँ पर निमेटोड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अगर उस टाइप की कोई सॉइल है तो वहाँ पर रूट स्टॉक 1613 यानी कि 1613 एक रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक 1613 जिसका नाम है, इस रूट स्टॉक को हम यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? अनाब ए शाही एक वेराइटी है, अनाब ए शाही नाम की वेराइटी के लिए रूट स्टॉक 1613 यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ थॉमसन सीडलेस के लिए, मतलब इन दोनों वेराइटियों के लिए ये रूट स्टॉक हम यूज कर सकते हैं। कब? जब निमेटोड प्रोन सॉयल हो, ठीक, जहाँ पर निमेटोड ज़्यादा लगते हों। अब देखो उसके बाद इन सेलाइन सॉयल डॉगरिज्ड इज बेटर। सेलाइन सॉयल रहेगा तो उसमें डॉगरिज्ड बेटर होता है, इसमें डॉगरिज्ड को अच्छा माना जाता है। फॉर थॉमसन सीडलेस द स्पेसिंग ऑफ 1.8 × 2.5 मीटर यानी कि पौध से पौध की दूरी 1.8 और रो टू रो दूरी कितना होगा 2.5 मीटर इज आइडियल फॉर बावर सिस्टम। बावर सिस्टम में ये अच्छा माना जाता है। अब देखो फॉर थॉमसन सीडलेस द स्पेसिंग ऑफ इतना, मतलब इतने मीटर की अगर हम स्पेसिंग कर दें तो वाई ट्रेट्स जो सिस्टम होता है ये वाला सिस्टम, वाई देखो वाई टाइप का फॉर्मेशन हो गया, इधर भी झुप्पा लग जाएगा, इधर भी गुच्छे लग जाएंगे, इधर भी ऐसे गुच्छे लग जाएंगे, एक ऐसे ये सीधी लाइन है, देखो ये ध्यान से देखो तो ये देखो पूरी लाइन ऐसी है, ये हमको एक ही एंगल दिख रहा है लेकिन इस एंगल के पीछे लाइन से सब एंगल लगे हैं, तो ये वाई सिस्टम का है, ठीक। तो इसमें अगर हम कर रहे हैं तो ये स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं रो टू रो, यानी कि इस वाले की रो और इस वाले रो की स्पेसिंग को हम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ज़्यादा कर सकते हैं अगर वाई टाइप का सिस्टम है ट्रेनिंग का। फिर आगे देखो रेजिन आर ओनली प्रोड्यूस प्रोसेस्ड प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी कि जो छुहारा होता है, सॉरी छुहारा नहीं, मुनक्का, किशमिश जिसे हम कहते हैं, किशमिश या मुनक्का जो होता है उसको हम रेजिन कहते हैं,
ये सूखा, ये ड्राइड क्या होता है, ड्राइड ग्रेप होता है, अंगूर को हम सुखा लेते हैं तो वही हो जाता है रेजिन। ये केवल इंडिया में ही प्रोसेस्ड किया जाता है, मतलब केवल इंडिया में ही इसको हम बनाते हैं, ऐसा और बाकी दुनिया में नहीं होता। डिपिंग बेरीज इन सोडा ऑयल कंटेनिंग एथेनॉल ओलिएट प्लस C2CO3 एंड सेड ड्राइंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रेजिन इन इंडिया। जब हमें कभी मुनक्का बनाना होता है, यानी कि किशमिश जब हमें बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि सोडा ऑयल लेते हैं जिसमें इथेनॉल ओलिएट प्लस K2CO3 होता है। इन दोनों को का मिक्सचर बना लेते हैं। इन दोनों का मिक्सचर बनाने के बाद जो बेरी होती है, अंगूर जो होता है, उसको हम इसी में डिप कर देते हैं, कायदे से भीग जाए। उसके बाद इसको तुरंत हम छान के बाहर निकाल लेते हैं और छांव में सुखा लेते हैं। देखो, ड्राइंग इन शेड यानी कि छांव में सुखाना, ये सबसे कॉमन मेथड है रेजिन बनाने के लिए, किशमिश बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। इसके जो फ्रूट टाइप होता है मल्टी सीडेड बेरी, इसके फ्रूट का टाइप है बेरी, लेकिन इसके अंदर मल्टी सीड होते हैं, मतलब कई कई सीड होते हैं। अंगूर का जो बेरी होता है उसमें कई सीड होते हैं, लेकिन इस समय हमें अंगूर में सीड नहीं मिलता है क्योंकि थॉमसन सीडलेस नाम की वेराइटी है। अब सीडलेस वेराइटियाँ आ गई हैं, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है जिसमें सीड होता ही नहीं, जैसे केला, देखो केले में भी सीड नहीं होता। तो ये सब वेराइटियाँ नहीं अभी डेवलप की गई हैं। सेब में भी देखो नहीं होता। अब देखो, क्वीन ऑफ वाइन यार्ड भी कहते हैं इसको, किसको, पूसा सीडलेस आर यूज एज मेल पेरेंट टू ट्रांसमिट सीडलेस इन प्रोजनी। जो पूसा सीडलेस है इसको हम मेल की तरह यूज करते हैं, यानी कि पूसा सीडलेस और क्वीन ऑफ विनयार्ड, ये जो दो वेराइटी हैं, क्वीन ऑफ विनयार्ड और पूसा सीडलेस, ये दो ठो वेराइटी हैं ग्रेप की। इन दोनों को क्यों यूज किया जाता है, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के समय मेल पेरेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि सीडलेसनेस आती है, यानी कि जो बेरी बनेगा उसमें सीड नहीं रहेगा। अगर बाप को इसको बना देंगे, इन दोनों को बाप बना देंगे, ये दोनों वैरायटियों को बाप बना देंगे, तो जो बेरी बन के आएगी, ठीक, बेरी जो रहेगा इसका, अंगूर का जो दाना रहेगा, अंगूर जो आएगा, उस अंगूर में बीज नहीं होगा, सीड नहीं होगा। HD ओल्मो बड़े फेमस ग्रेप ब्रीडर हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। HD ओल्मो कौन है, ग्रेप ब्रीडर, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज ना होना, कायदे से याद कर लेना। उसके बाद फिर किशमिश वैली, ये आउटस्टैंडिंग रेजिन ग्रुप कल्टीवेयर है। किशमिश वैली नाम से पता चल रहा है किशमिश, ये बहुत अच्छा है, ठीक, रेजिन बनाने के लिए, मुनक्का बनाने के लिए बड़ा अच्छा इसको माना जाता है। अब सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा इन ग्रेप इज मिथेल एंथ्रेनिलेट, मिथाइल एंथ्रेनिलेट, जिसको हम मस्केट फ्लेवर का एरोमा आता है, यानी कि ग्रेप की क्रॉप में जो एरोमा आता है, यानी कि जिसे हमें पता चल जाता है कि ये ग्रेप की क्रॉप है, वो जो एरोमा, उसकी जो महक आती है, वो किसके वजह से आती है, मिथाइल एंथ्रेनिलेट के थ्रू। मिथाइल एंथ्रोनिलेट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा इन ग्रेप। अब देखो, टार्टरिक एसिड इज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप। टार्टेरिक जो एसिड होता है, ये क्या करते हैं हम, ग्रेप से ज़्यादातर निकालते हैं। टार्टेरिक एसिड सबसे ज़्यादा हम किससे निकालते हैं, ग्रेप से। टार्टेरिक एसिड ग्रेप में पाया जाता है। डॉग रिज्ड एंड 110 आर ऑल टॉलरेंट टू ड्राट एंड सॉलिडिटी। ये डॉगरीज एक वैरायटी है और 110 आर ये भी एक वैरायटी है। ये क्या है, ये टॉलरेंट होता है ड्रॉट और सैलिनिटी के लिए, ड्रॉट और सैलिनिटी वाला कंडीशन है तो ये अच्छा माना जाता है। ये जानते हो कैसा होता है, ये एक रूट स्टॉक होता है, भूलना नहीं इसको, ये एक प्रकार का रूट स्टॉक की वैरायटी है, मतलब इसको यूज़ करते हैं, इस वैरायटी को किसके लिए, ज़्यादातर रूट स्टॉक के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब इसकी वेराइटियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं। वेराइटी इसमें बहुत ढेर सारी हैं और वेराइटी भी पूछी जाती है,
ठीक, तो इसकी एक वैरायटी है थॉमसन सीडलेस, ये रूलिंग ग्रेप वैरायटी है जो 55% एरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, यानी पूरे भारत में 55% एरिया में, अगर पूरे भारत में जितना भी ग्रेप का कल्टीवेशन होता है उसमें 55% एरिया में थॉमसन सीडलेस वैरायटी का ही कल्टीवेशन होता है। अब इसमें देखो कलर्ड सीडेड वैरायटी, यानी कलर वाली होंगी, यानी कि वो जो कलर वाली होती हैं यानी काली काली जो होती है उस टाइप की वैरायटी, और साथ साथ में उनके अंदर सीड भी हो, यानी कि वो काली होंगी और उनके अंदर बीज भी होगा। इस टाइप की कौन कौन सी वैरायटियां हैं, बेंगलोर ब्लू, गुलाबी, किशमिश चोरनी, ये तीन प्रकार की जो वैरायटियां हैं वो कलर्ड सीडेड हैं। कलर्ड सीडलेस वैरायटी, कलर्ड में देखना है ब्लू कलर का भी आता है, ब्लैक कलर का भी आता है, दो प्रकार के होते हैं, तो कलर्ड वैरायटियां किसी कलर की हो सकती हैं। अब देखो जो कलर्ड सीडेड है, सीडलेस यानी कि ये कलर्ड वाला रहेगा लेकिन ये सीडलेस रहेगा, इसके अंदर सीड नहीं होगा, उसमें कौन सा है, ब्यूटी सीडलेस और शरद सीडलेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटियां कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई हैं, ब्यूटी सीडलेस और शरद सीडलेस, ये कलर्ड सीडलेस वैरायटी। व्हाइट सीडेड वैरायटी, जिसका सीड व्हाइट व्हाइट होता है, उसमें कौन सा है, अनाब शाही एंड दिलखुश, व्हाइट सीडेड वैरायटी है ये। उसके बाद व्हाइट सीडलेस वैरायटी, व्हाइट समझ रहे हो, सफ़ेद सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब वही जो हरा हरा होता है इसी को बोलते हैं। अब व्हाइट सीडलेस जो वैरायटी होती है इसमें सीड नहीं होता है, ये कौन कौन सा है, परलेट, पूसा सीडलेस, तासे गणेश, सोनाका, मनिक चरम, ये सब क्या है, चमन, मनिक चमन, ये सब वैरायटियां कैसी हैं, व्हाइट सीडलेस की वैरायटियां हैं। इसके बाद देख लो फिर क्या लिख रहा है, केन प्रूनिंग और स्पोर प्रूनिंग, ये क्या होता है, अभी पहले देख लो अर्का कंचन, अर्का कंचन भी एक वैरायटी है, ये कैसी वैरायटी है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, इसको जब लेट मैच्योर, ये वैरायटी जो है वो बाद में बड़ी देर में मैच्योर होती है। इसमें TSS कितना होता है, 22-24%, जूस कितना होता है इसमें, लगभग 69-70% लगभग जूस होता है, और 22-24% इसमें TSS होता है। किशमिश ब्लैक, हमबर्ग, ब्लैक प्राइस, फॉस्टर सीडलेस, डिलाइट, परलाइट, बोखरी, चैम्पियन, ये सब वैरायटी हैं किसकी, ये सब ग्रेप की वैरायटियां हैं। उसके बाद केन प्रून्ड वैरायटी, केन प्रून्ड वैरायटी कौन कौन सी है, गुलाबी, PS, किशमिश चेरनी और TS, ये सब वैरायटियां कैसी हैं, ये कैसी वैरायटियां हैं, केन प्रून, ये TS, जो TS वैरायटी है इसके अंदर TSS कितना होता है, 22-24%, यानी कि 22-24% इसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है, TS जो है एक वैरायटी है। केन प्रून्ड, केन प्रून्ड वैरायटियां कैसी होती हैं, देखो मान लो कि एक हमारे पास ये पौधा है, इस पौधे से ऐसे दो ब्रांच निकली है, अब हम क्या करते हैं, जब हमें केन प्रूनिंग करनी होती है तो हम ब्रांच को यहाँ से काटते हैं, यहाँ से और यहाँ से, अभी दो जगह से हमने काट दिया, अब यहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी, इधर भी नई ब्रांच निकलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, हम केन प्रूनिंग बोलते हैं। फिर अगला है स्पोर प्रूनिंग, ये प्रूनिंग किसमें होती है, BB, BS, बोखरी, डिलाइट और परलाइट, इस वैरायटी में क्या होता है, स्पोर प्रूनिंग होती है। स्पोर प्रूनिंग कैसे होती है, जैसे मान लो कि एक स्टेम है, इसकी ये दो ब्रांच है, अब देखो ये ढेर सारी यहाँ पे कलिकाएँ निकली हुई, ढेर सारे बड़ निकले हैं, तब हम क्या करते हैं कि इसी बड को हम क्या करते हैं, अगर प्रूनिंग करने के समय इसी बड को हम काटते हैं, तो इस अगर बड को काटेंगे तो हम क्या होगा, इसको स्पोर प्रूनिंग कहते हैं, लेकिन अगर हम यहीं से काट देंगे पूरा ये तना ही अलग कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, केन प्रूनिंग। तो ये दो प्रकार की प्रूनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ग्रेप की क्रॉप में। अब देखो रेजिन जो होता है ये एक ड्राइड सीडेड ग्रेप होता है, सीडलेस ग्रेप होता है, यानी कि जो रेजिन किशमिश जो बनाते हैं वो कोई सीडलेस ग्रेप होता है, कोई एक ऐसा ग्रेप जिसमें सीड नहीं होता है, इसको हम जब सुखा देते हैं तो वो रेजिन बन जाता है। दे शुड नॉट हैव मोर देन 17% मॉइस्चर, इनके अंदर 17% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर 17% से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो ये जल्दी से सड़ जाएगा, डिग्रेडेशन होगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा। इसके लिए कौन कौन सी वेराइटियाँ अच्छी होती हैं, पूसा सीडलेस, TS और सुल्ताना, ये सब वेराइटियाँ
रेजिन बनाने के लिए अच्छी मानी गई हैं। अब देखो रूट स्टॉक देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें रूट स्टॉक यूज़ करते हैं। पहला तो मैंने कहा था डॉगरेज वैरायटी, अगर निमेटोड रेजिस्टेंट है क्योंकि ये, और साल्ट और फाइलोक्सेरा वैरायटी, ये मतलब ये सब जो प्रॉब्लम होती है, ठीक, फाइलोक्सेरा चाहे साल्ट हो चाहे फाइलोक्सेरा से कोई प्रॉब्लम हो या कोई निमेटोड वाली प्रॉब्लम हो, अगर सॉइल में ये सब प्रॉब्लम है तो हम डॉगरेज वैरायटी को यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट ये रूट स्टॉक के रूप में यूज़ करते हैं। 1613 ये भी फाइलोक्सेरा और निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। साल्ट चीक रेजिस्टेंट टू निमेटोड साल्ट, निमेटोड और साल्ट के प्रति, यानी कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, जहाँ साल्ट लिखा है यानी कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल और निमेटोड अफेक्टेड अगर सॉइल है तो वहाँ पर साल्ट चीक ये साल्ट क्रीक ये रूट स्टॉक है, इस रूट स्टॉक को हम यूज़ करते हैं। फिर अगर टेम्पल को यूज़ करते हैं कब, रेजिस्टेंट टू पायरसीज डिजीज, पायरसीज डिजीज जो होती है इसको हम रोकने के लिए टेम्पल रूट स्टॉक का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं शॉर्ट बेरीज परलाइट, ये शॉर्ट शॉर्ट बेरीज एक क्या होता है, इसके अंदर ग्रेप के अंदर प्रॉब्लम होती है, ये क्यों होता है, ये बोरान की डिफिशियंसी से और पुअर पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन कम होगा तो भी ऐसा हो जाएगा, अगर बोरान की डिफिशियंसी होगी तब भी ऐसा हो जाएगा। अब ये शॉर्ट बेरी पर लाइट होता है क्या, इसमें देखो ये जो हरा हरा दिख रहा है ये सब छोटे छोटे जो बेरी बन रहे हैं यानी कि शॉर्ट शॉर्ट बेरी बन रहे हैं अंगूर के, यही एक प्रॉब्लम होती है। देखो इतना बड़ा गुच्छा है लेकिन इसमें अंगूर देखो कुछ ही बड़े बड़े हैं, बाकी ये सब हरे हरे सब छोटे छोटे हैं, तो एक प्रकार की ये प्रॉब्लम होती है जो बोरान की कमी से होती है और पुअर पॉलिनेशन की वजह से होती है। फिर अगला है स्टेम ग्रिडलिंग क्या होता है, स्टेम ग्रिडलिंग एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस होती है ग्रेप के क्रॉप में, इसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ 5 mm वाइड रिंग एट फुल ब्लूम स्टेज, फुल ब्लूमिंग के स्टेज पर क्या होता है कि इसका जो इतना पार्ट होता है यानी कि लगभग 5 मिलीमीटर चौड़ाई लेकर हम इसकी ऊपर की छाल को इसको चारों तरफ से निकाल लेते हैं, पूरा एक रिंग टाइप का निकाल लेते हैं ये चारों तरफ से, पूरे पौधे के चारों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, जो पीछे दिख नहीं रहा है दोनों तरफ से हम क्या करते हैं इतनी चौड़ाई से काट के इसके ऊपर की छाल को निकाल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेम ग्रिडलिंग। ये हम कब करते हैं फुल ब्लूमिंग स्टेज पर, यानी कि जब पौधे पर कायदे से फल वल कायदे से खूब लग गया हो, पूरी ब्लूमिंग हो गई हो। उसके बाद फिर ग्रेप गॉर्ड क्या होता है, एक प्रकार का ये क्राफ्ट पेपर होता है, देखो ये ग्रेप गॉर्ड ये क्या होता है कोटेड विद KMS एंड प्लास्टिक पॉलीमर, ये प्लास्टिक पॉलीमर और KMS से क्या होता है कोटेड होता है यानी कि इस पर इसकी कोटिंग की गई होती है। ये क्राफ्ट पेपर होता है, जब हम डब्बे में रखते हैं इसको पैकिंग करते हैं ग्रेप को ट्रांसपोर्टिंग के लिए तो हम इस तरीके से एक पेपर लगा देते हैं जिससे ग्रेप का जो गुच्छा है वो कायदे से सुरक्षित बना रहे। उसके बाद मस्कट फ्लेवर ऑफ ग्रेप, ग्रेप के अंदर जो मस्कट फ्लेवर आता है वो क्यों आता है, मेथाइल एंथ्रेनिलेट के वजह से आता है, मेथाइल एंथ्रेनिलेट जो एरोमा वाला कंपोनेंट है इसी की वजह से इसमें एरोमा आती है, मस्कट टाइप की एरोमा होती है। ठीक, फिर अब आगे बढ़ते हैं, आज के लिए ग्रेप की क्रॉप में केवल इतना ही था, बहुत लंबी क्रॉप थी, वीडियो भी कुछ लंबा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें जिससे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, ज़्यादा व्यू आएँ और मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो नया नया लाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।